दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हमारी इस दुनिया से जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या होगा, और क्या होगा यदि हमारे ग्रह के सारे वन्य जीव भी नष्ट हो जाएं? क्या इन प्राकृतिक जरूरतों के बिना हम इंसान जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जीने का आधार ही यही जंगल और वन्य जीव है, जिनके बिना हम थोड़ी देर भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है, जो सितंबर 2019 से चली आ रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इस आग के चलते कई सारे पेड़ पौधे और करोड़ों की संख्या में वन्य जीव जलकर खाक हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस आग से निकलने वाला धुआं पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में आग लगने की वजह के बारे में और इस आग से कितना नुकसान हुआ है, क्या ये आग अभी भी बढ़ रही है। इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगने की वजह क्या है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जंगल सितंबर 2019 से जल रहे हैं और आग के पीछे की वजह है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हवाएं। इन्हीं के कारण आग लगी थी ऐसा बताया जा रहा है, और इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के दौरान तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया था और यह आग भी इसी तापमान का ही नतीजा है। दोस्तों, ऐसा केवल ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत जंगलों में आग लग चुकी है, लेकिन इस बार आग ने भयानक रूप हासिल कर लिया और इस आग के पीछे कुछ इंसानों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और NSW पुलिस ने करीब 183 लोगों के खिलाफ जानबूझकर आग फैलाने का आरोप भी लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर इलाके आग की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आग न्यू साउथ वेल्स में लगी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी और मेलबोर्न भी इस आग से काफी प्रभावित हुए हैं। विक्टोरिया के जंगल में भी भारी मात्रा में आग लगी हुई है। यह आग हर रोज नए हिस्से में फैलती जा रही है। इस तरह से यह आग ऑस्ट्रेलिया के लगभग 150 अलग अलग जगहों पर जंगलों को जलाती हुई शहर की तरफ आगे बढ़ रही है। और इस आग से कितना नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं। इस आग के कारण अब तक लगभग 2000 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और 350 से भी ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 70,000 लोग बेघर होकर दूसरी जगह पर चले गए हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का लगभग 7.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही आग कुछ दिन पहले ब्राजील क्षेत्र के अमेजन जंगल में लगी थी, जिसने करीब 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को जला दिया था। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस आग के कारण अब तक करीब 27 लोगों की जान जा चुकी है। और बात करें वन्य जीवों की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 50 करोड़ वन्य जीवों को भारी क्षति पहुंची है और कई करोड़ वन्य जीव मर गए हैं, जिनमें से रेंगने वाले जीव और स्तनधारी जीव भी शामिल थे। पूरी दुनिया में केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही पाए जाने वाले कोआला भालू को बहुत ही भारी मात्रा में क्षति पहुंची है। पूरे ऑस्ट्रेलिया से कोआला भालू की लगभग एक तिहाई जनसंख्या इस आग में जलकर खाक हो गई है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कंगारू द्वीप के जंगलों में लगी आग की वजह से कोआला की आधी आबादी खत्म हो चुकी है। आग लगने से पहले इस क्षेत्र के पेड़ों पर करीब 50,000 कोआला भालू थे, लेकिन आग के कारण ज्यादातर जीव आग की चपेट में आ चुके थे। देश और राज्य के संघीय अधिकारी पिछले 4 महीने से आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल विक्टोरिया शहर को आपातकालीन घोषित कर दिया है। 2000 से भी अधिक फायर फाइटर्स आग को काबू में करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा से भी ज्यादा फायर फाइटर्स भेजे गए हैं। सेना के जवान, वायुसेना और नौसेना के जवान भी इस आग को काबू करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक पिछले कई सालों से लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य पेड़ पौधों को काट रहा है, इसके चलते आगामी समय में कई अन्य तरह से भी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।